चलो जी, मेरी वैन आ गई और अभी मैं हूँ फुकेट में और मैं जा रहा हूँ सेमिलान आइलैंड के लिए। और एक यहाँ पे टूरिस्ट जो एजेंसी है वो काफ़ी अच्छी है, लव एंड मैन, उनके ज़रिए मैंने ये जो बुक किया था और मैं जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ कि क्या है। और अभी आपने करना क्या होगा कि आपने यहाँ से स्कैन करके अपने आपको और यहाँ से चेक इन के लिए जाना है। तो जैसे चेक इन हो जाएगी, फर्स्ट काउंटर पे आपको ये बैन दिया जाएगा, सेकंड पे अगर आप कैमरा वगैरह रेंट पे लेना चाहते हैं तो उनके पास कैमरे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा वगैरह अगर आपने रेंट पे लेना है तो रेंट पे कैमरा ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना फॉर्म फिल किया और गुड मॉर्निंग। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे है जी ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह सुबह उठाने के लिए आ जाते हैं वहाँ पे। जाहिर सी बात है, आप नाश्ता तो नहीं करते सुबह 5-6 बजे तक, तो वहाँ से जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ये भी इंक्लूडेड है बुफेट। और ना सिर्फ ये बल्कि मैंने पता किया है तो शाम का भी यहाँ पे बुफेट फ्री है और काफ़ी सारी वराइटीज़ हैं। मैं स्लैश और थोड़ा सा क्रॉस पैन खा के निकलता हूँ यहाँ से। ये भी है सैंडविच वगैरह, तो ये इसके साथ इंक्लूडेड है क्योंकि इन्होंने सुबह सुबह हमें उठाया था। Not now. Okay, I will call this number to easy for you. Okay, island number 1, 2, 3 cannot to go because a special area for the turtle. And then island number 5, number 6 just have an only lock and only fan. Why? Okay, तो अभी हम लोग जाने लगे हैं सिमिलान आइलैंड का। और सिमिलान का मतलब ये है कि नहीं, पाकिस्तानी मतलब नहीं है, आपने गलत नहीं लेना। अभी हम क्या करेंगे, इस बोट के जरिए जाएंगे। ये जितना भी आपको गेदड़ी बच्चा दिख रहा है इनके साथ जाने लगे हैं हम लोग और देखेंगे कि क्या क्या है। ओके, तो अभी हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, अभी हम जाने लगे हैं सिमिलान। चलें जी, आइलैंड हम पहुंच गए हैं और हम उतर रहे हैं इन कन्याओं के साथ। इनसे उतरा नहीं जा रहा और उतरा तो मेरे से भी नहीं जा रहा। वो पॉइंट है जी, इस पॉइंट को मेरे, तो दिस इज आइलैंड नंबर 8, इट्स मीन 10। सो लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। चलें जी, मैं क्या करता हूँ तो मैं यहाँ पे रास्ता ढूंढता हूँ ऊपर जाने का और मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि मैं इस वक्त हूँ 92 kg का। जी हाँ, 92, यानी कि इस इतने वज़न की तो हमारे यहाँ के बैल आते हैं कुर्बानी के जानवर पे। तो मैं फ़ौरन ऊपर चढ़ता हूँ और जाके देखता हूँ कि ये लोग सारे पागल हुए क्यों जा रहे हैं, ऊपर चढ़े क्यों जा रहे हैं, मतलब आ गए। मेरी सांस फूल गई है लेकिन जी इधर 5-10 मिनट मैंने एंजॉय कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डिड्डू को लेकर नीचे जाता हूँ। डिड्डू का मैंने क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता चला है अभी नीचे खाना बक रहा है, खाना मिल रहा है, सी फूड है या क्या, मतलब खाने में क्या मिलेगा। एक तो आप किसी गैर मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि दे विल सरप्राइज यू व्हाट दे विल गिव यू। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं देखता हूँ बीच पे कौन कौन घूम रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दैट ब्यूटीफुल आइलैंड। तो यार आओ पाकिस्तानियों, चलें जी, जुमा जुमा करके 8 दिन मुझे स्विमिंग के हुए हैं तो थोड़ी शौकिया मार दूं आपके सामने। अगर आपके सामने ना मारूं तो और किसके सामने मारूं, क्योंकि वीडियो आप लोग देख रहे हैं यार। और यार यहाँ का पानी जो है वो बहुत क्लियर है, यानी कि इतना हमारे पीने का पानी क्लियर नहीं होता। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे अभी एक चीज़ दिखी, वो दिखी ये जा रही है मछली जा रही है, तो यहाँ पे मछली है तक ऐसे दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है खाने में क्या खाती हैं, ऐसी मतलब पली हुई हैं ये और बिल्कुल साफ़। यानी कि अब देखो मैं तैर रहा हूँ और मैं वाज़े सब कुछ मेरा दिख रहा है, मतलब सबसे मुराद जितना मैंने दिखाना था। आइलैंड
पे कपल लोग आते हैं, मैं भी थोड़ा अपने दोस्त के साथ आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे अंग्रेजों के काम चेक कराता हूँ, इन्हें कहीं पे भी आराम नहीं है यार, मतलब लगे पड़े हैं। वो कर क्या रहा था, फिर ज़रा बताए इस चीज़ को, एक्सप्लेन करें। अच्छा फिर मैं आपको ना थोड़ा सा और दिखाता हूँ पानी का। ये देखें, एक मछलियों का झुंड आया और इतने क्लियर में वो छोटी 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 पाली पाली मछलियाँ मेरे इर्द गिर्द आई, मतलब कि जन्नत फील हो रही। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम कराची के समंदर से उठ के गए थे तो हमें वो काफ़ी अजीब लगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनके साथ जाता हूँ, यहाँ से होते हुए हम अगले आइलैंड पे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्विमिंग सीखी थी इस ट्रिप के दौरान, और इस टाइम देखते हैं कि स्विमिंग मुझे आती है कि नहीं आती, अभी मैं जाने लगा हूँ। तो मैंने स्विमिंग सीख ली है, अब मुझे आ गई है। तो जी नादिर ने यहाँ पर स्नॉकलिंग को इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद नादिर साहब अब कश्ती में जा रहे हैं, उसी कश्ती उसी बोर्ड में जिसमें आए थे। और यहाँ पे फ्री का जो पड़ा हुआ है, फ्री का तो नहीं खैर 15,000 पर डे का, नहीं मतलब 15,000 नहीं, इन्होंने 1500 लिया था, तो पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 बनते, तो 20,000 में भरी फिर रहा हूँ मैं तो। आज कोक पी पी के अपना पेट ही फाड़ दूंगा। मैंने सुबह से उठ के खाली पेट 6-7 जो है ना खाली खाली पेट, क्योंकि सच में मैंने नाश्ता नहीं किया था। और अब क्या कर रहा हूँ, इन कोक को लेते हुए, अपने जिटू को लेते हुए, जो मैं वहाँ से बख्त वायदा कुछ खाने का मिल रहा है, लेकिन खाना जो है, जो मतलब भोजन जो है, वो भोजन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, खाना पकड़ूँगा, खाने को कहूँगा, और इस खाने की वीडियो जो है ब्रीफली, इसका रिएक्शन जो है मैंने वो अपनी एक वीडियो में दिया हुआ है। ओके, अभी इन्होंने खाना दे दिया है। अगर आप स्पेशल ऑर्डर करते हैं तो आपको ये वेजिटेरियन, जैसे मैंने किया था, तो वेजिटेरियन मिलेगा। उसके अलावा आपने फिश नहीं थी, वो मुझे खाने को यहाँ पे मिल रही है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बीच का जाके थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ, क्योंकि बीच पे आते हैं और बिकनी पहने हुए जो लोग प्यारे प्यारे मजे के पाले पाले लोग घूम ले होते हैं, तो उनको थोड़ा देखना, आँखें ठंडी होती हैं, मतलब समंदर को देख के ना, समंदर को देख के आँखें ठंडी होती हैं, तो ठंडी करने के लिए आप आँखें आते हैं, तो आप थोड़ा सा इंजॉय करें इस वीडियो को। और मैं भी इंजॉय करता हूँ, जैसे मैं बावड़ों की तरह इधर घूम रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं कि ये अंकल पागल हो गया। अंकल क्यों कह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। ओके बाय, लव एंड अंडमैन के साथ मेरी जो जर्नी थी वो बहुत अमेजिंग रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार इतना तो बनता है, फ्री का है, बटन को दबा दो। उसके अलावा देख रहे हो किस तरीके से मैं टाइटैनिक की कश्ती के ऊपर चढ़ा कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। सो एंजॉय।